मॉर्निंग क्लास, टुडे वी डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूलर टीम। मॉलिक्यूलर टीम क्या है? कोलिजन थ्योरी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर टीम। कोलिजन थ्योरी आप सबसे पहले ही पढ़ा दिया गया है, तो कोलिजन थ्योरी क्या करती है? मॉलिक्यूलर टीम को एक्सप्लेन करती है। कोलिजन में भी ये बताया गया था कि प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन होना चाहिए, और कोलिजन भी क्या होना चाहिए? हेड ऑन हेड होना चाहिए। तो कोलिजन थ्योरी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे भाई जान हमारे पास जो है ये एक मॉलिक्यूल ही है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्या होगा? हेड ऑन होगा, और ये क्या होंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट बनाने के बाद ये जो है आपस में ये मिल जाएंगे। तो यहाँ जो मॉलिक्यूलरिटी और एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई आपकी? दो हो गई। ऐसे इमेजिन करिए आपके पास तीन मॉलिक्यूल है, ये है, ऐसे आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे? अब ये आपस में मिलेंगे, ये मिल जाएंगे, ये तीन हो, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो ये प्रोडक्ट तीनों को क्या होना चाहिए? टच में होना चाहिए, भी टच में है। तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी क्या हो रही है? थ्री हो रही है। और अगर बाई चांस आप जो है चार मॉलिक्यूल ले ले रहे हैं, जैसे ये फोर मॉलिक्यूल है, ये आ रहे हैं आपस में कोलिजन करेंगे, तो ये होगा। तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्यूलरिटी फोर होनी चाहिए, फोर होगी नहीं क्योंकि ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो ये होगा नहीं, बिकॉज द मॉलिक्यूल इज नॉट टच टू ईच अदर। इसको आपस में क्या होना चाहिए था? टच करना चाहिए था, लेकिन ये टच नहीं कर पाएंगे, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? चार नहीं हो सकती है। तो और सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फोर। इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी की डिफिनेशन क्या हो रही है? मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बाय विच इफेक्टिव कोलिजन प्रोडक्ट इज फॉर्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बाय विच इफेक्टिव कोलिजन प्रोडक्ट इज फॉर्म, दैट विल नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी को कौन एक्सप्लेन करता है? कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन करती है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, नोट नोट में लिखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मॉलिक्यूलरिटी स्टोइकोमेट्रिक पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे आपने कोई एग्जांपल लिया H2 + I2 2HI, मान लीजिए आप दो से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये 2H2 + 2I2 और ये 4HI हो जाएगा। तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? दो है, मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बाई विच इफेक्टिव कोलिजन प्रोडक्ट इज फॉर्म, और यहाँ भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? दो होगी। तो आप देख रहे हैं स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगी, ये याद रखिएगा। ये कोई दूसरा रिएक्शन लेते हैं, जैसे NH3 है, जैसे C6H12O6 + H2O है, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये C6H12O6 बनाएगा, प्लस C6H12O6 एक ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। यहाँ पे मिनिमम कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है? एक एक दो, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? दो हो गई। तो इस तरीके से आप मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बाय विच इफेक्टिव कोलिजन प्रोडक्ट इज फॉर्म इन दोनों मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है H2O5 गिव्स आउट NO2 + O2, यहाँ आप ऐसे लिख देंगे, यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी है आप देख रहे हैं? वन है। यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो रही है? वन हो रही है। अगर आप दो से मल्टीप्लाई कर देंगे N2O5
ये 4NO2 हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा, यहाँ भी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, दो होगी। इसको देख के आप नहीं बताएंगे क्योंकि मॉलिक्युलरिटी स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड नहीं करती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ मॉलिक्युलरिटी। इससे पहले आप मॉलिक्युलरिटी पढ़ रहे हैं, अब टाइप ऑफ मॉलिक्युलरिटी। तो टाइप ऑफ मॉलिक्युलरिटी में मेनली थ्री है, यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन और टर्म मॉलिक्युलर रिएक्शन। तो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन में क्या होता है, जिसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो, वन हो, द रिएक्शन विद मॉलिक्युलरिटी इज वन, दैट विल नोन एज यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। द रिएक्शन विद मॉलिक्युलरिटी इज टू, दैट विल नोन एज बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन। द रिएक्शन विद मॉलिक्युलरिटी इज थ्री, दैट विल नोन एज टर्म मॉलिक्युलर रिएक्शन। तो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन में क्या होगा, इन दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय मिनिमम वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो मिनिमम वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में इसका एग्जांपल डीकंपोजिशन रिएक्शन दे सकते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन होते हैं। आप जैसे CaCO3 ये डीकंपोज कर रहा है, तो CaO+CO2, यहाँ मॉलिक्युलरिटी कितनी आ रही है, वन आ रही है। तो आप डीकम्पोजिशन याद रखिएगा। बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन में क्या होगा, बाई का मॉलिक्युलर रिएक्शन प्रोसीड बाई मिनिमम टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन प्रोसीड बाई मिनिमम टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जैसे आपके पास H2 है, I2 है, आप HI फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ मॉलिक्युलरिटी कितनी आ रही है, एक ये और एक ये है, ये दो आ रहा है आपका। टर्म मॉलिक्युलर रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट कितने होंगे, एटलीस्ट थ्री होंगे। तो टर्म मॉलिक्युलर रिएक्शन प्रोसीड बाय मिनिमम थ्री रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, टू FeCl3 प्लस SnCl2 गिव्स आउट FeCl2 प्लस SnCl4। इसमें आप देख रहे हैं FeCl3 प्लस SnCl2, यहां आप दो लगा देंगे, एक दो रिएक्टेंट ये और एक रिएक्टेंट क्या है, ए है। तो यहां मिनिमम रिएक्टेंट कितने हो गए, थ्री हो गए, टू और वन थ्री। तो ये रिएक्शन क्या है, टर्म मॉलिक्युलर रिएक्शन है। तो ये मॉलिक्युलरिटी शॉर्ट में है, मॉलिक्युलरिटी को किसने एक्सप्लेन किया, कोलिजन थ्योरी। मॉलिक्युलरिटी क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, तो मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बाय विच इफेक्टिव कोलिजन प्रोडक्ट इज फॉर्म। रिएक्टेंट के वो मिनिमम मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं और प्रोडक्ट बना सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी तीन है, एक है यूनिमॉलिक्युलर में याद रखिएगा मॉलिक्युलरिटी वन होगी, बाई मॉलिक्युलर में मॉलिक्युलरिटी दो होगी, टर्म मॉलिक्युलर में मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, थ्री होगी। तो ये आपका है टॉपिक मॉलिक्युलरिटी। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्युलरिटी। अबाउट करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्युलरिटी, तो करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्युलरिटी में सबसे पहला पॉइंट होगा, इट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरा पॉइंट ये है कोलिजन थ्योरी, एक्सप्लेन द मॉलिक्युलरिटी। तीसरा पॉइंट ये है आपका मॉलिक्युलरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन स्टोइकोमेट्री।
मॉलिक्यूलरिटी स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी जीरो, मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी फ्रैक्शनल, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलरिटी नेवर बी जीरो फ्रैक्शनल नेगेटिव, मॉलिक्यूलरिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड बियॉन्ड थ्री फॉर ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए तीन से ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। ये आपका हो गया करेक्टरिस्टिक। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी कैन एक्सीड बियॉन्ड थ्री, तीन से ज्यादा हो सकता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। और जो कि कॉमन रिएक्शन होती है वो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन की होती है, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी दो होती है वो आपका कॉमन रिएक्शन में आता है, याद रखिएगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें नोट लिख लेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज ए एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। जैसे बाय चांस आपके पास कोई एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है ए बी, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में जब आप रेट लिखते थे तो रेट जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। तो ये रेट इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। तो ये जो पावर यहाँ आप देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये 1+1, ये क्या आएगा 2 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? समेशन ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। कोई रिएक्शन और ले ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए बी प्लस सी, ये आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ जब आप रेट लिखेंगे तो रेट इक्वल टू हो जाएगा के प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी एक्टिव मास ऑफ सी। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, तो वन 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 ये थ्री आएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अगर ये पूछा जाएगा तो वन, विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा जाएगा तो वन, विथ रिस्पेक्ट टू सी पूछा जाएगा तो वन, ओवरऑल क्या होगा थ्री। यहाँ भी अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ये पूछा जाएगा तो वन, विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा जाएगा तो वन, ओवरऑल क्या होगा टू। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो डिफिनेशन बनने जा रही है वो क्या है? समेशन ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द समेशन ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, मान लीजिए एस टू, एक रिएक्शन होती है एस टू प्लस सी एल टू, और ये आपका जो है सनलाइट यहाँ होना चाहिए और ये एस सी एल बनाएगा, तो ये सनलाइट होना चाहिए। अब पता चला ये लाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, तो इसका जो रेट होगा वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। एस टू पावर जीरो, सी एल टू पावर जीरो, इसका मतलब ये जो रेट है रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा पावर जीरो का मतलब। तो पावर जीरो मतलब ये वन, पावर जीरो मतलब वन, इसका मतलब यहां जो आएगा
वो जो रेट होगा वो रेट कांस्टेंट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा वो जीरो प्लस जीरो का मतलब जीरो आएगा। इसका मतलब डिफिनेशन क्या निकल के आ रही है, इट इज द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, समेशन ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। डिफिनेशन नोट करेंगे, समेशन ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में तो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन का जो समेशन होगा उसी का नाम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। कभी कभी यहां डिफरेंशियल रेट लॉ भी लिखा रहता है, ऑब्लिक डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ। करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट होगा इट इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन, इट इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन है। इसका दूसरा पार्ट क्या है, यही डिफिनेशन बन जाएगी, समेशन ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ। ये क्या होता है, समेशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ। तीसरा लिख सकते हैं, ये जीरो भी हो सकता है, तीसरा लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी नेगेटिव, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड थ्री और ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, और ए सिंगल स्टेप रिएक्शन ऑर्डर ऑप्शन तीन से ज्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट लाइन इज मोल 1 माइनस एन
लीटर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स एन आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हमारे पास एन क्या हो जाए जीरो हो जाए तो के की जो यूनिट बनेगी ये मोल वन लीटर माइनस वन सेकेंड इनवर्स तो ये बनेगा। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक यूनिट क्या बनेगी मोल टू द पावर वन लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता सपोज एन इक्वल टू वन होते रखते तो यूनिट ऑफ के क्या होता यूनिट ऑफ के आप देख रहे हैं वन रखेंगे जीरो पावर जीरो खत्म वन आ जाएगा लीटर एन माइनस वन वन माइनस वन जीरो लीटर के पावर जीरो वन आएगा तो सेकेंड इनवर्स बन जाएगा। तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स आएगा। इस तरीके से आप सेकेंड ऑर्डर का निकाल सकते हैं या फ्रैक्शनल ऑर्डर का निकाल सकते हैं। अगर एन फ्रैक्शन में रखेंगे तब भी यूनिट ऑफ बन जाएगी। तो ये सब इसकी करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट आप नोट कर सकते हैं हाफ लाइफ।